हेलो हेलो। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय जी। और बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ सर कैसा चल रहा है काम धाम? अच्छा ठीक चल रहा है। बढ़िया। अच्छा सर, और बताइए सर, इलेक्शन के इस गठबंधन हुआ है नहीं अभी सर? पता नहीं जी कौन सा इलेक्शन का। यही 2024 में तैयारी चल रही है। वो तो पता नहीं जो कुछ चीज है क्या तैयार चल रही क्या नहीं चल रही। मैं बीएसपी से सपा की, अभी अरे क्या बात कर रहे हो आप जो हुआ नहीं है सर सपा से गठबंधन बीएसपी। बीएसपी के सपने लेना भूल जाओ जी। जी फिर बीएसपी के सपने लेना भूल जाओ। कौन, बीजेपी आएगी क्या? अब जिसको बीएसपी चाहेगी वो आएगा। अच्छा, नहीं जैसे गठबंधन बता रहा सपा से चल रहा है। गठबंधन वो करते हैं जिनके अंदर जो है जितनी चाह हो, जिनके अंदर अच्छा जितनी चाह ही ना हो, सिर्फ अपने आप को बचाने की ही चाह हो, तो वो गठबंधन नहीं करते, वो जीतने का प्रयास नहीं करते। तो अकेले दम पे कहाँ फिर सफलता मिल पाएगी? अरे सफलता लेनी किसको है। मैं कह रहा हूँ सफलता अकेले दम पे कहाँगी, क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन है प्रधानमंत्री वाला। तो नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सफलता चाहिए किसको। सफलता जो पार्टी के लोग हैं उन्हें चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ आपको दिखाई दे रहा है कुछ उनकी एक्टिविटीज से कि हमको सफलता चाहिए। वैसे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, तो उसमें भी मतलब आम आदमी पार्टी जीत गई, और गुजरात में भी सारा। हाँ तो जिसके आंखों की शर्म भी मर गई हो, जिसको बेशर्माई महसूस ना होती हो, तो वो जीतने की वो क्यों करेंगे। जीतने की चाहत तो कांशीराम जी की होती थी, जो स्वयं जो है पार्टी के अध्यक्ष होते हुए भी टेंट लगाने जाते थे, कुर्सी बिछाने जाते थे, दरी बिछाने लगते थे, ठीक है ना। लेकिन हाँ आज जो छोटा छोटा कार्यकर्ता भी जो है अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। यही तो अहंकार है ना आदमी के अंदर, बहुत बड़ा अहंकार हो गया है। हाँ तो फिर बताओ कैसे मतलब जो है समझे कि हाँ जीतने की चाहत है। एक नई पार्टी आके जो है इनके वोट बैंक को लूट के चली आती है। जिस विचारधारा पे ये पार्टी चल रही है वो विचारधारा विश्व की सबसे विचारधारा है। इस विचारधारा पर जो है लोगों को कैटराइज किया जाता, लोगों का किसी का भी वोट चला जाए, यहाँ तक कि बीजेपी का भी वोट जाता था कहीं पर भी, लेकिन बीएसपी का वोट कहीं भी नहीं जाता था अगर उसके लोग जो है कैटराइज होते। तो इतनी अच्छी विचारधारा पे पार्टी चल रही थी, लेकिन लोग जो है करना चाहते ही नहीं काम, जीतने को इच्छा ही नहीं है। अब बताओ दिल्ली में जो है 98 सीटें खाली रह गई, सोचने वाली बात है, क्या ये पॉसिबल है। हाँ वो तो है सर। एक ये भी बात है सर, जैसे मतलब कोई भी कार्यकर्ता बन गया तो उसके अंदर थोड़ा भी मतलब अपने प्रति एक अहंकार, एक ईगो आ गया उसके अंदर। नहीं नहीं वो ऐसा है जी, मैं बताऊँ आपको। जो क्या नाम आपका। जी, मेरा नाम बलबीर सिंह है, और मैं मतलब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में भी जुड़ा हुआ हूँ, और अच्छा भीम आर्मी से भी जुड़ा हुआ, आजाद समाज पार्टी में भी कार्यकर्ता काम कर रहा हूँ। हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है ना आपकी। जैसे आपकी प्रॉब्लम है ना ये कि आप हर जगह जुड़े हुए हो, जी संगठन को ज्वाइन करते समय आप ये निर्णय लेते ही नहीं हो कि संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन का नेतृत्व किसके हाथ में है, उसका नेतृत्व जिसके हाथ में है उसकी क्षमता कितनी है, क्या वो उसके उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता रखता है नहीं रखता, वह कितना घमंडी है, कितना तानाशाही है, कितना लोकतांत्रिक है। ये सारी जो बातों पे अगर विचार नहीं करोगे और किसी भी संगठन को ज्वाइन कर लोगे तो फिर तो वही चलना है जो हो रहा है। हाँ वही है, फिर वही मतलब फिर यही है कि अगर मतलब बीजेपी फिर बन गई तो फिर वही मतलब ऐसी समाज के ऊपर जो अत्याचार उत्पीड़न के मामले वो सामने दिखाई दे रहे हैं 2014 से, वही ऐसे ही बढ़ते ऐसा है सिलसिला। बलबीर जी, हम लोग जो है ना, जी जी मैं एडवोकेट हूँ ठीक है जी। सर, मैंने जो है यूपीएससी से एपीपी का एग्जाम होता है वो भी क्वालिफाई कर रखा है। जी सर, मैंने अभी नेट क्वालिफाई किया है अच्छा सर, और मेरे अंदर जो है योग्यता की कोई कमी नहीं है, नहीं आपके अंदर योग्यता तो सर बहुत। लेकिन मैंने जो है कभी भी छोटा छोटा काम करने में कभी गुरेज नहीं करी समाज के लिए। हाँ वो तो है ही सर। मैंने जो है कैमरा तक संभाला है, लोग मंच से भाषण देते हैं और मैं नीचे खड़ा होकर उनका कैमरे पर शूट करता हूँ। सिर्फ इसलिए करता हूँ कि उन लोगों की आवाज़ जो है हमारे समाज के कानों में पड़े, वो सुने उस बात को जो है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन इस काम की कदर करने वाले लोग जो है समाज में नहीं है। समाज किस नज़र से देखते हैं,
कि ये वकील है और इसकी वकालत नहीं चल रही होगी, इसलिए जो है ये अब कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है। ये जो मेंटेलिटी है समाज की, इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? ये तो समाज को खुद सोचना चाहिए कि भाई ये आदमी के अंदर क्या योग्यता है। हाँ सर ये जो पार्टी जो है, अब मैं क्या बताऊँ, इस पार्टी के अंदर जो है, मैं दिल्ली दिल्ली प्रदेश में जो है लोकसभा प्रभारी था मैं। जी सर मुझे पहली बात तो लोकसभा प्रभारी बनाया क्यों गया, फिर अच्छा दूसरा मुझे लोकसभा प्रभारी के पद से हटाया क्यों गया, समझ रहे हैं बात को जो है? जी सर हाँ अब इतना बड़ा मैं जो है भाई, यहाँ लोकसभा प्रभारी था मैं जो है, अब मैं जब पार्टी के जो चुनाव हुआ अभी जो है दिल्ली में, तो मैं जो है जाके शूट करने गया हर किसी कैंडिडेट को। अब कैंडिडेट जो है वार्ड का इलेक्शन लड़ रहा है नहीं, लेकिन जी किसी पदाधिकारी की ये हिम्मत नहीं होती है कि वो वहां पर इंट्रोड्यूस भी करा दे कि ये हमारे पूर्व के लोकसभा प्रभारी हैं यहाँ के जो है, समझ रहे हैं? सर इतनी तमाम बेइज्जती को भी साइड में रखकर हम लोगों ने अपने काम में कभी भी कोताही नहीं बरती। लेकिन समस्या ये है कि ये बेइज्जती भी मंजूर है, लेकिन जो हार की बेइज्जती मिलती है ना, जो रिजल्ट आता है, वो बेइज्जती सहन नहीं हो पाती है। हम तो जो है अपने दिमाग से, अपने क्या नाम है, दिलो दिमाग से खूब अच्छी तरह करहा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि सामने रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी बताता हूँ एक और बात जो है, अभी दिल्ली में रामलीला मैदान में जो है एक मीटिंग हुई, 2 दिन का बहुजन महासम्मेलन हुआ, ठीक है जी। हाँ जी वहां पर उसको जो वक्ता थे, अरे सीमा कुशवाहा जी पहुंच वो छोड़िए आप, जो कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जितनी अच्छा भीड़ सर वहां आई थी ना, जी सर जितनी मतलब जितनी भीड़ वहां पे आई थी, उससे कहीं ज्यादा लोग जो है मंच पर उपस्थित थे बोलने के लिए, अपने गले की खुजली मिटाने के लिए, अच्छा अच्छा ठीक है। अब वो जो है वो लोग जो है अपने गले की खुजली मिटा के वहां से चले गए, और उसके बाद जो है बहुजन समाज का क्या होगा, क्या उद्देश्य था उनका, क्या उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, कुछ पता आता नहीं है। लेकिन हर एक वक्ता सिर्फ वहां पर इसलिए मौजूद था क्योंकि बड़ा मंच लगा था, रामलीला मैदान में मंच लगा था, और उसको बोलने का वहां पे मौका मिल रहा था, समझ रहे हैं बात को जय? जी हाँ वो तो है सर इनमें से ही बहुत सारे लोगों से मैंने पर्सनली बात करी। मैंने कहा साहब, आप सभी लोग जो है समाज का दुख दर्द बयां करते हैं मंचों के माध्यम से, तो हम लोगों को जो है एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लेकर जो है इकट्ठे होकर जो है ना, अपने हाँ आप को जो है समाज के प्रति डेडिकेट कर देना चाहिए। और चाहे मेरे पीछे 5,000 की भीड़ है, चाहे दूसरे पीछे 1,000 की भीड़ है, वो 5,000 और 1,000 की भीड़ जो है समाज की होनी चाहिए, हमारी अपनी नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी नाक और अपना अहम जो त्याग देना चाहिए। अब बताओ, ये लोग जो हैं इतने बुद्धिमान हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग जो अपना को बात समझते हैं, क्या इनके अंदर इतनी छोटी है सी बात समझ आती है इनको जो है कि बिना डेडिकेशन के समाज का काम नहीं हो सकता? सर अच्छा सर एक बात है जैसे मतलब सबसे ज्यादा ऐसे समाज 85% है लेकिन ऐसे समाज में मतलब कोई भी अगर कोई बड़ा पद पे बन गया तो उसके अंदर थोड़ा ईगो अहंकार आ गया तो इसी वजह से एकता नहीं हो पा रही है अजी वो तो छोड़िए, वो तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हो आप जो है। जी यहाँ सर पर तो कोई YouTube पे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए ना, हाँ जिसका सर वीडियो जो है अगर 1-2 लाख चल जाए, तो हाँ वो सर अपने आप इतना तुर्रम खां समझता है कि किसी से फिर बात करने की वो नहीं समझता, जाए मत उठाता हो जाए, फिर तो वो बड़े बड़े मन समझता। अच्छा, इसमें गलती उनकी नहीं है, इसमें गलती जो है हमारे ही अपने लोगों की है कि वो मंच लगाते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, उसके लिए वक्ता के तौर पर किसको रखेंगे? जो बड़ा चेहरा हो, या तो बाबा साहब के परिवार से कोई हो जिसका चेहरा देख के भीड़ आ जाए, मतलब भीड़ बुलाने के लिए वो जो है कुछ भी करेंगे। फिर जो है इन लोगों को उठाते हैं जो YouTube पे सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड हो, या फिर जो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, चाहे वो कोई भिक्कू ही क्यों ना हो, जो अपने संयम को छोड़ दे बिल्कुल जो है, जो अपने सील को ही तोड़ दे, है नहीं? तो जो मतलब जो प्रोग्राम के आयोजन करता है उनका जो है समाज के उद्देश्यों से कोई लेना देना नहीं है, और वही लोग इनको हीरो बनाते हैं। अच्छा, हीरो बनने में दिक्कत नहीं है, हमें तो जो है इस बात की तसल्ली है, चलो ये सब हमारे नेता हैं, है नहीं, इनके अंदर बोलने की क्षमता है, तो कम हाँ से सर कम लेकिन समाज के उद्देश्यों को सामने रखे तो बोले हैं, समाज के उद्देश्यों को रखे, जमीन पर उतर के काम तो करें। अब हाँ वो ये तो जो सर जिस जिस पार्टी के आप जो है पदाधिकारी बने हुए हो, जिस पार्टी को अपने ज्वाइन कर रखा है, आप मुझे एक बार बताओ कि ये बंदा जो है पिछली यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव से जो है क्या करने का था, ये गठबंधन करने का था, है नहीं? अच्छा हाँ अच्छा, चंद्रशेखर मुझे सर ये बताओ कि मैं आपसे गठबंधन कब करूंगा, जब आपकी ताकत का मुझे पता हो जब, तो गठबंधन करूंगा मैं हाँ वो तो है ही क्या?
चंद्रशेखर रावण को खुद की ताकत का खुद को पता था कि मेरे पास इतनी ताकत है, एक भी इलेक्शन लड़ा नहीं है, अभी कुछ रिजल्ट आया नहीं है, और चला गया वहां पे अपना मुंह काला करवाने के लिए जो है। अच्छा ये जो है क्योंकि समाज का नेतृत्व कर रहा था, और जो वहां भारी बेइज्जती हुई वो बेइज्जती किसकी हुई की। फिर? और आप जैसे लोग जो है बेचारे इतने समझदार इतने डेडिकेटेड लोग जो हैं उनके पीछे जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। सर हम इस वजह से जुड़ गए कि यहाँ एक यूनिटी हो, एक मतलब संगठन चल रहा है, इसकी वजह से कि दबे कुचले पर अत्याचार ना हो, इसके कारण हम तो सर जुड़े हुए हैं। देखो बलबीर जी, बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज का मार्गदर्शन बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से किया, हाँ सर लेकिन मुझे इस समाज के नेताओं ने जो है उस ईमानदारी को साइड में रख दिया, ठीक है ना। ये जो नीली क्रांति है ना, नीली क्रांति, जी सर ये नीली क्रांति जो है समाज के लिए घातक बन गई है। इस समाज को अब नीली क्रांति जो नीला जो रंग है ना, ये हाँ इसने एक सर विशेष पहचान दे दी है, समझ रहे हैं। और बाबा सर साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का प्रयास किया था, और वो था भगवा कलर, ठीक है, हाँ सर जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी जिसका वो झंडा था नीले कलर का जो है, उसको उन्होंने जो है 14 अक्टूबर 1956 जब उन्होंने धर्मांतरण किया उससे पहले ही भंग कर दिया था, और उसके बाद जो है वो भगवा क्रांति की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ चालाक लोगों ने जो है उनके पार्थिव शरीर पे जो कि भगवा कलर से लपेटा गया था, भगवा कपड़े से लपेटा गया था, उसको हटा के और उस पे जो है नीले रंग का वो जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का झंडा था उसको लपेट दिया उस पे, समझ रहे हैं। हाँ सर आज देश में जितने भी ये नेता है ना बहुजन समाज के, एक भी ऐसा नहीं है जो उस भगवा क्रांति की बात करता हो, चाहे मान्यवर कांचीराम जी को भी, क्योंकि जन भावनाएं जो है राजनीति करने के लिए जो जन भावनाएं थी वो नीली रंग से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनको भी अपना झंडा जो है नीला रखना पड़ा। तो वही आज आज तो आज जो है ना वो समय है कि आज जो दुश्मन ने जो हमारा जो क्या नाम है जो संस्कृति जो छीनी हुई है हमारी जो है, उस संस्कृति को हम वापस लेते हुए अपने लोगों को जो है कैटराइज करने का काम करें। अब काम करने का टाइम है, ये जमीन पे जो है अभी हवा में सर बात करने का टाइम नहीं है, अभी मंचों पे जाके भाषण देने का टाइम नहीं है, वो मंचों पे तो रोज भाषण देते हैं, रोज लोग यूट्यूब पे सुन लेते हैं, लेकिन उनको जो है एक माला में जो है प्रोने का काम कौन करेगा। अभी ऐसी जगह ऐसी है सर, मतलब अभी लोगों को मतलब कुछ देखते भी है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आदि लोगों को पता भी नहीं, बाबा साहब के बारे में भी पता नहीं है, जो बहुजन महापुरुष है उनके बारे में लोगों को अच्छी तरीका से जानकारी नहीं है। बलबीर जी, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है ना, जी सर उसमें ऐसा कोई भी आदमी नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी समाज का आदमी हो, जो आदमी समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास रखता है जी वो जो सर है इस वोट बैंक का हिस्सा बन सकता है। हाँ सर इतना बड़ा उद्देश्य बाबा साहेब ने, इतना बड़ा मतलब जो है समाज दिया इस समाज को जो है, लेकिन हम जो है वो कुएं के मेंढक बन के वहीं चलते कूदते रहे क्योंकि हमें खुद पता नहीं है, हम खुद ही अपने आप को जो है मान लिया कि हम तो इसी कुएं के मेंढक हैं, है नहीं, तो हम उससे बाहर निकलना चाहते ही नहीं है। आज वो केजरीवाल जो है अभी नई नई पैदाइश, वो जनरल मुद्दे लेकर आता है, और जनरल मुद्दे इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि हमारे लोगों को अपने असली मुद्दे नहीं मालूम है। अब जनरेशन जो है हर 15-20 साल बाद जो है चेंज हो जाती है ना, हाँ हाँ अगर सर आपने एक जनरेशन को कैटराइज कर भी दिया तो अगली को कौन करेगा, अगली तो फिर जो है वही फिर मुद्दों में भटक जाएगी। युवा हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल बुलंद सिखाया जाता है, स्कूल में आ तो आपको पढ़ाते हैं नहीं, आप महापुरुष हैं। नहीं महापुरुषों के बारे में भी अब बताओ कि इतना काम करके गए बाबा साहब, उनके बारे में कोई भी स्टडी नहीं होती स्कूलों में वो कराएंगे नहीं ना, अगर वो ये स्टडी करा देंगे तो केजरीवाल जैसे लोग हैं ना, लोग हमारे लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे कि तस्वीर लटका दी और बस बाबा साहब के भक्त बन जाओ, जय भीम मतलब। बोलो और सब जगह डोलो, ऐसा नहीं होता। हाँ वो वैसे ये तो मतलब पूरा आरएसएस का ही आदमी है अरविंद केजरीवाल। बहुत देर में पता लगा आपको तो। नहीं देर में नहीं, मैं तो उसी से मतलब पूरा मतलब जो भी इसने बयान दिया कि लक्ष्मी और उनकी वो फोटो होनी नहीं, चाहिए हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी भी तो कहना मैं स्ट्रेटेजी नहीं है ना, वो वो भी ऐसे। तो मतलब जो है अब दुश्मन के हाथों खिलौना बन गए ना, जी सर इन्हें किसने कहा था आप इस्तीफा दे दो, अगर इनसे इस्तीफा मांगा था तो क्या इन्होंने उनसे बोला कि नोटिस दे भाई मुझे, शो कॉज नोटिस होता है ना, हाँ सर कि अगर मैंने कोई गलत काम कराया तो पहले उसको नोटिस इशू करना ताकि मुझे एक रिकॉर्ड तो बने मेरे पास, एक डॉक्यूमेंट हो मेरे पास कि मैंने कुछ गलत काम किया है, और मेरे पास जो है
वो मौका होना चाहिए कि मैं उसका जवाब दे सकूं, है कि नहीं है? वही है कि अब बाबा साहेब पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब इस्तीफा देना था हिंदू कोड बिल के आधार पे जो है, तब उन्होंने पार्लियामेंट से जो है ये इजाजत मांगी थी कि मुझे जो है इस्तीफा जो है जब मैं दे रहा हूं तो मुझे वहां बोलने का मौका दिया जाए कि मैं इस्तीफा क्यों दे रहा हूं, इस बात को स्पष्ट करने दिया जाए। वहां की पार्लियामेंट ने उनको वो बात रखने का मौका नहीं दिया था। उन्होंने जो अपना जो त्याग पत्र वाला जो भाषण था, फिर बाद में उन्होंने पब्लिकेशन पब्लिक कराया था उसको, जो बाद में किया था ना, तो ये हाँ होती है अपने समाज को दिशा देने वाली बात। लेकिन आप जो है वो उस लोभ लालच में लटके रहो कि हो सकता है कि भाई केजरीवाल मुझे अगला एमएलए तो बना ही दे अगली बार भी, तो फिर जो है समाज का काम नहीं हो सकता। अब वही है कि इतने साल आपने तक आपने एक तो होता है कि मजबूरी में पद छोड़ा, एक होता है आपने शेर बन के जो है पद को लात मारी, दोनों फर्क फर्क होता है। नहीं, जैसे अब इनने पद छोड़ा, इससे पहले भी तो अत्याचार होते रहे हैं। मतलब ये शोषित पिछड़े वर्ग हो, एससी वर्ग हो, जहाँ बात मुझे मुझे वो काम बता दीजिए जो कि समाज के लिए किया हो। समाज का जो फंड था वो केजरीवाल ने कहाँ पे अप्रोप्रिएट किया, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाई, क्या उसके लिए कोई काम किया? लेकिन केजरीवाल उठाया। के लिए इन्होंने पूरा काम किया, किया नहीं हाँ हाँ किया? केजरीवाल सर, को जो है समाज का बड़ा हिस्सा जय भीम मिशन के नाम पे जोड़ के दे दिया। अब उन्हीं लोगों में से जो है कुछ पदाधिकारी बने हुए हैं जो कि वहां से जो है लाभ उठा रहे हैं, केजरीवाल की सरकार बनी हुई है ना, वहां से लाभ उठा रहे होंगे। अब वो किसका गुण गाएंगे? वो जो है राजेंद्रपाल गौतम का गुण गाएंगे या केजरीवाल गुण गाएंगे, बताइए आप मुझे। 12 विधायक जो हैं इस समाज से हैं उस सरकार में, बताओ इनके साथ में कौन सा विधायक है जो त्याग पत्र देगा पार्टी से? है कोई कोई तैयारी करी लेकिन इन्होंने इस बात की? जो है आप दुश्मन के खेमे में गए भी लेकिन आपकी तैयारी नहीं थी कोई, वही तो, आपके भीतर मिशन मूवमेंट तो है, आपको विचारधारा पता है, लेकिन उसके साथ में उस विचारधारा को कैसे इंप्लीमेंट करना है और कहाँ जाके इंप्लीमेंट करना है उसकी तो रणनीति बनाई नहीं आपने कोई। हाँ सर, ये बात तो है। चलो बलबीर जी, बहुत अच्छा लगा, आपने कम से कम इस समाज के दुख दर्द की तरफ सोचा और हम भी बहुत पीड़ित हैं। मतलब सर, हम तो हमारी सुमित रतन बनते जी से भी बात होती रहती है, और ये नहीं है जो ये मतलब अच्छा, सुमित रतन डांट बनते जी से बात नहीं, होती है, मतलब जितने भी उल्टे सीधे लोग हैं समाज के सबसे बात होती है आपकी? उल्टा सीधे जैसे धर्म का तो काम कर ही रहे हैं इस वजह अच्छा, से। कितना धार्मिक आदमी है ये, कितना धार्मिक आदमी है ये, पीछे इतना वीडियो चला था इसका, लेकिन हमारे लोग समझ में नहीं आती ना, वही तो प्रॉब्लम है। हमारे समाज के सारे मंच जो है ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जो तो समाज से गद्दारी कर रहे हैं, बड़ी समस्या है। अब इसने जो नीलम बौद्ध जी के ऊपर 2 FIR कराए, तो मैं बताया आपको अच्छा 2 FIR क्यों कराई? ये बनते हैं ना, ये तो संसार छोड़ चुका है ना, इसके साथ में किसी का क्या क्लेश हो जाएगा, हो हाँ, एक सकता है क्या तो हाँ कोई? वो तो है, मतलब ये ये कैसे आप लोग है। जो है मतलब किसी भी भिक्कू पे आप कोई पिस्तौल ले घूम रहे हैं, कोई हथियार ले घूम रहा है, कह रहा है मैं भिक्कू हूँ। अरे भाई क्यों मतलब बदनाम कर रहे हो, तुम इस धर्म को बदनाम कर रहे हो, इस समाज को भी, सारे महापुरुषों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इस समय अच्छे और सच्चे नेतृत्व की जरूरत है जो कि अभी जो है समाज से नदारद है। सभी लोग जो है अपने आप को नेता मानने लगे हुए हैं, इनके बड़े लक्ष्य नहीं है, इनका लक्ष्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, बल्कि ये अपने आप को चमका के कोई पार्टी ने ऑफर कर देगी तो एमएलए बन जाएंगे एमपी बन जाएंगे, बस इनके भीतर लक्ष्य होना चाहिए समाज को एमएलए और एमपी बनाने का, समझ रहे हैं? अच्छा सर, वही डायलॉग, मतलब वही बाबा साहब का, मतलब मुझे याद आ रहा, जैसे बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, तो वही है जैसे अगर अलग अलग, जैसे अपने समाज के मतलब लोग एक दूसरे की बुराई करेंगे, तो सर ये तो कभी बन ही नहीं पाएगा ना। मतलब प्रधानमंत्री की जो चाहत देख रही है बहन जी, वो तो देखो बलबीर जी, जो बुराई की जाती है ना, जी सर, जी बुराई के दो उद्देश्य होते हैं, सर, हाँ एक तो दूसरे को मिटाना और सर, एक दूसरे को बनाना। एक बुराई को मतलब सुधारना, ये भी तो होता है सर। हाँ, आलोचना जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, और हम जो है कभी भी जाके जो है अपने कामों की आलोचना करवाते हैं लोगों से कि भाई बताइए हमारे कामों में कहाँ कमी रह गई है। हाँ अब सर, जो अपनी आलोचना से घबरा के जो है और सामने वाले आलोचना करने वाले को ही मतलब उल्टा सीधा कहने लग जाए, उसके खिलाफ ही कार्रवाई करने लग जाए, तो उसका सुधार कभी नहीं हो सकता, उसका भला कभी नहीं हो सकता। हाँ ये बात भी है। हाँ सर, और मेरे साथ में यही घटना घटनी है। बीएसपी की हाँ मीटिंग में मैंने जो है वो बेसिक सवाल रखे, सांसद महोदय थे कुछ जो है दो चार जो है, उनकी मीटिंग थी वहां पे, मैंने कुछ सवाल रख दिए। अच्छा सर, अब बस उनको वो सवाल क्यों पसंद आएंगे, ठीक है ना? तो हाँ सर, हम तो जो है इस बात की परवाह नहीं करते कि पद है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, हम तो कैमरामैन बन के भी काम कर लेते हैं, हमें तो समाज का काम करना है, कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है।
हाँ सर, जैसे अभी हमारे यहाँ बस बुद्ध बिहार वगैरह भी है, अगर आपको कभी मतलब बुलाएंगे तो सर आएंगे आप? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, आएंगे क्यों सर नहीं, प्रोग्राम होगा तो सर आपके लिए बुलाएंगे सर, बुलाइए देखते हैं। इधर कहाँ कहाँ से बरेली बोल रहे हैं आप? जी, बरेली। बरेली। अच्छा, अभी तो आए थे बरेली हमसे। अच्छा, बरेली चंद्रमणि बुद्धार पे आए थे सर आप? नहीं, वहाँ पे ऐसे बुद्ध घर पे नहीं आए थे, किसी ने वो रखाई थी बुद्ध कथा जो है, तो अच्छा उसमें जो है लास्ट दिन था शायद उसको बुलाया था, अच्छा अच्छा नहीं मुझे नहीं अब बुलाया था किसी को बुलाया था, तो उन्होंने साथ में चलने के कहा थे, साथ चले थे हमसे। चंद्रमणि बुद्ध विहार मतलब पूरा नक्शा बनवा रहे हैं वहाँ, बहुत काफी मतलब बहुत बड़ी बुद्ध विहार बन रही है, ये ढीला पीर पे ही है, वही नक्शा बना जहाँ नागपुर महाराष्ट्र का जैसे पूरी अच्छा बुद्ध अच्छा बहुत विहार। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो ठीक है बलबीर जी, फिर जो है फिर बात करते हैं। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।